हेलो दोस्तों, तो हमारे पास जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम कोशिश करते हैं आपको उसके बारे में समझाने के लिए, ताकि लोगों का काम आगे से और आसान हो जाए और बढ़िया काम हो जाए। ये हमारी कोशिश रहती है, चाहे कोई भी मिस्त्री भाई हो, हमारी कोशिश रहती है उनका काम आसान करने के लिए। तो आज क्या हम लेके आए हैं? आज लेके आए हैं ये जादू की डिबिया। ये लॉकटाइट कंपनी का, लॉकटाइट 55 इसका नाम है। ये प्रोडक्ट कंपनी का हेंकल जो है, एक जर्मन प्रोडक्ट है, जर्मन कंपनी है, जो कि जोड़ने के अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट विश्व भर में, दुनिया भर में ये भेजती है। तो इंडिया में इन्होंने पिछले साल लॉन्च किया था ये, तो सक्सेसफुली पहले ट्रायल वर्जन लॉन्च करती है कोई भी कंपनी, तो ट्रायल जब सक्सेस हो जाता है तो मार्केट में वो आना शुरू हो जाता है। तो पिछले साल ट्रायल वर्जन इन्होंने यूज किया था, ऑन किया था, तो अभी ये काफी बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आया है, तो ये चल गया है। तो ये किस काम के लिए आता है और कंपनी कहाँ की? कंपनी जर्मनी की है ये, और लॉक टाइट जो है, लॉक टाइट नाम से आपको पता रहा है, इस तरह से टाइट कर देती है जैसे लॉक हो जाता है, तो नाम है इसका लॉक टाइट 55। तो ये किस काम में आता है? ये काम में आता है जब हम पुराने मेथड में चले जाएंगे तो हम एक धागा और एक सफेदा, इसमें एक व्हाइट तरह का सीलेंट होता है जो धागे को निकाल के, आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी जनरल बता रहा हूँ, इसको धागे को निकाल के इसके ऊपर हाथ से लपेट उसको करते हैं, उसके बाद हम इसके बाद ये इसके ऊपर चढ़ाते हैं और टाइट करते हैं। ये ट्रेडिशनल पुराना मेथड आ गया। अब इसकी जगह इसने ले ली है। इसने क्यों ले ली है? क्योंकि हमें इसको प्लास्टिक में भी यूज करना है, इस टूटी में भी यूज करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो प्लम्बर भाई क्या करते हैं, मल्टीपर्पज इसको ले लेते हैं। इसको लेने से क्या होता है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने इसके ऊपर चढ़ाया, तो इसके ऊपर बहुत सारा चढ़ाना पड़ता है। एक तो ये बिल्कुल सीधा चढ़ाना होता है, लेकिन ये सीधा हो नहीं पाता, बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि उनको प्रैक्टिस होती है, वो फटाफट फटाफट करते हैं। ये बहुत सारा मोटा करके चढ़ाना पड़ता है अपने को, और तोड़ना तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये चढ़ा दिया हमने, ये देखिए अच्छे से चढ़ गया। इसको पूरा अच्छे से इसके ऊपर कर देते हैं, ये देखिए साफ है पूरा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ये चढ़ा, अब ये हो गया। अब जब हमने मान लीजिए टूटी के ऊपर ऐसे लगाया, टूटी पे लगाने पे टूटी इधर से, ये तो सीधा हो गया क्योंकि हमने ऐसे अपनी मर्जी से किया, तो ये यहाँ पे है और ये ऐसा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से खोल के चूड़ी दोबारा सेट करनी पड़ती है। हर प्लम्बर मेरे भाई को यही दिक्कत आती है कि जब भी वो ऐसा करेगा तो होगा क्या, वो अगर एक घर में 20 टूटियां लगा रहा है तो 20 टूटियों की जगह उसके 3-4 टूटियां ऐसी होगी जो उनको बार बार दोबारा यूज करनी पड़ेगी, दोबारा उतार के चढ़ानी पड़ेगी। उसमें होगा क्या, उसका ये टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए, ये इधर चला गया, इधर चला गया। इससे क्या होता है कि ये अगर जब इसको दोबारा चढ़ाते हैं, अगर ये आपके किसी बहुत महंगे शावर में चला गया, टैंकी में चला गया, उसी पानी को आप पी रहे हैं या किसी में, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी खराब है और आपकी जो मशीनरी आपने यूज किया है, शावर पैनल की या बाथ टब की, उसमें जाके ये फंस जाएगा, उसको खराब कर देगा। तो एक तो ये परेशानी हमें देखने को मिलती है, फिर ये बहुत मोटा चढ़ाना पड़ता है और उसमें टाइम खराब होता है, इसको उतारेंगे फिर दोबारा नया चढ़ाएंगे और फिर दोबारा करेंगे। तो इन सब का हल क्या किया है, लॉक टाइट ये लेके आया है। अब लॉक टाइट का क्या है, यहां से हमने ये खींचना है और इसको तोड़ने के लिए यहां से ऐसे कर लेना है। और अगर हम इसको, ये एक पहले किया था मैंने, इसको हम ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जितना मर्जी जोर लगाइए, पूरा जोर लगा दीजिए, ये टूटेगा नहीं। इसीलिए कंपनी ने इसके साथ ये तोड़ने के लिए बनाया हुआ है, बस इसको यहां से खींचना है, ऐसे करना है, टूट जाएगा बहुत आसानी से, इसका ये तोड़ने के लिए बनाया हुआ है। अब हम इसको चढ़ाते हैं, चढ़ाना भी बहुत आसान है। इसके ऊपर हम ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हाथ चढ़ाना है हमने पर, और काट लिया। ये मैंने 8 ही क्यों चढ़ाया, कंपनी इस पे कुछ नहीं लिखा है, टफलन टेप पे कुछ नहीं लिखा है कितना चढ़ाना कितना करना, धागा सफेदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन कंपनी इसमें क्या करती है, इस पे कंपनी, जैसे ये आधी का है, आपको पता है आधी 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 इंची का पॉइंट है, आधी के लिए उन्होंने लिखा है 6 से 8 बार चढ़ाना है, हमने 8 बार चढ़ा लिया। तो इसको जब हम ऐसे चढ़ाएंगे, ये देखिए, और इसको चढ़ाने के बाद हमने इसकी टेस्टिंग भी करवाई है, इसको 7 किलो प्रेशर पे हमने चेक किया है, 100 बार प्रेशर पे, तो 100 बार प्रेशर पे इस पे करने के बाद इसको दिक्कत हमारी नहीं है, ये पीछे अंदर कुछ जाता नहीं है और अपनी जो मशीनरी वगैरह वो खराब नहीं होती। तो इसमें अपने भाइयों का फायदा क्या है, फायदा ये है कि मान लीजिए साइड के ऊपर उसके पास टफलन टेप है,
लेकिन उसके पास धागा सफेदा चाहिए। अब धागा है तो सफेदा चाहिए, अगर सफेदा खत्म हो गया और धागा है तब भी काम नहीं चलेगा, और दोनों है और कहीं पे टफन टेप लगनी है ये है तो ये भी, मतलब कि तीनों चीजें चाहिए उसको साइड के ऊपर। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये तीनों का काम एक ही जगह हो जाएगा आपको, ना धागा चाहिए, ना सफेदा चाहिए, ना टफन टेप चाहिए, तो एक ही डिबिया चाहिए, ये पॉकेट में रखी है तो ये आपका सारा काम कर देगी। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरे नंबर पे कस्टमर का फायदा ये है कि उसको कल को आने वाले टाइम में कोई लीकेज की या किसी भी चीज की कोई दिक्कत परेशानी रहती नहीं है, ठीक है। और इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये अभी कंपनी की जो प्राइस है वो 88 रुपीज की है एक डिब्बी की, लेकिन एक डिब्बी के साथ एक डिब्बी फ्री है। ये इसकी मास्टर पैकिंग है, 24 पीस की पैकिंग रहती है ये। तो ये देखिए इसके ऊपर साफ साफ लिखा है बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक डिब्बी फ्री रहती है, तो मतलब 44 रुपीज की एक डिब्बी आएगी। आप टेफलन टेप किसी भी ब्रांडेड कंपनी की लेंगे तो कोई भी ब्रांडेड कंपनी की टेफलन टेप 20 रुपए से लेके 30 रुपए की आती है, तो ये पड़ी 44 रुपए की, 44 रुपीज की पड़ी। हो सकता है कोई डीलर आपको 2-3 रुपए का डिस्काउंट भी दे दे तो 40 रुपए रह गया, तो 10 रुपए का सिर्फ एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी ये आपको अच्छा वर्थ देने वाली आइटम है। इसमें आपको टेंशन फ्री आइटम हम दे रहे हैं। अब रहती है इसकी एक्सपायरी की बात, इसकी एक्सपायरी हो जाती है, सफेदे की एक एक्सपायरी होती है, किसी भी कंपनी की एक्सपायरी हो जाती है, खराब हो जाता है, ठीक है। और इसको आप 45 डिग्री के आगे इसको ऐसे करके लपेटेंगे तो ये इस तरह से पतला हो जाता है, पतला होने पे ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप 45 डिग्री के आप पतले से पतले पे भी आप लपेट सकते हैं क्योंकि बना बनाया मटेरियल है। और इसकी अगर एक्सपायरी की बात करें तो ये 4 साल है इसके एक्सपायरी डेट, 4 साल, जो कि बहुत ज्यादा है, और उसके बाद भी अगर खराब हो जाता है तो कंपनी रिप्लेस कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप किसी भी लोहे की, स्टील की, ब्रास की, पीतल की कोई भी टूटी ले लीजिए, अपने जो सिलेंडर होते हैं जिस या अपने जो घरों में आग लगने वाले जो दूसरे सिलेंडर होते हैं, किसी भी चीज को आपने सील करना है, सील के लिए आपको 1, 2, 3 ये 3 आइटम ही चाहिए सीलिंग के लिए, कहीं भी फैक्ट्री में चाहिए, मतलब घर, फैक्ट्री, ऑफिस, गोदाम, कहीं भी आपको किसी चीज को सील करना है तो इनको छोड़ के आप ये रख सकते हैं अपने ऑफिस में, घर में, गोदाम में। और सेल्स वालों के लिए, डीलर्स के लिए भी इजी है, उसको 3-3 चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं, एक ही चीज से उसका काम चल जाएगा। और किसी भी चीज पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी रहती, इस पे लिखा हुआ है आदि के लिए आपने कितनी बार उसको घुमाना है और पोनी के लिए कितना घुमाना है, 1 इंची के लिए 8 से 12 बार करना है आपने इस तरह से घुमाना है, प्रॉपर आपको फीडबैक मिलेगा, प्रॉपर आपको हर चीज पता लगेगी। फिर भी किसी भाई को कोई दिक्कत है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको हर चीज प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी और हर चीज समझा दी भी जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।